الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today my topic is how to prepare for the month of Ramadan. So as we already know and we already in the month of Shaban and there is few more days left to enter into the month of Ramadan. So basically Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan al-Mubarak ke baare mein Quran Pak mein irshad farmate hain ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O you believers, the month of fast has been prescribed for you as it was prescribed before you. So you become mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. तो अल्लाह कुरान में इस आयते मुबारिका में रमदानुल मुबारक के बारे में फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तुम पर रमदान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों के लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बनो. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट हमने सबसे पहले सोचना है कि अल्लाह ने हमें रमज़ानुल मुबारक का इतना अच्छा बाबरकत महीना क्यों अता किया. What is the purpose to give us the month of fast? और फिर अल्लाह ने इसे हमारे लिए obligatory क्यों ठहराया? ये चीज़ को हम इंशाल्लाह first understand करेंगे. अब देखें, अल्लाह सुबहाना व ताला ने इंसान के लिए दो रास्ते रख दिए हैं. एक रास्ता है सिरात मुस्तकीम का, इहदिनस सिरात मुस्तकीम, और दूसरा रास्ता है शैतान का. तो जो इहदिनस सिरात मुस्तकीम, दिस पाथ जो है, ये जो रास्ता है, ये हमें डायरेक्ट जन्नत की तरफ लेकर जाता है, और जो दूसरा रास्ता है वो जहन्नम की तरफ लेकर जाता है. तो अल्लाह सुबहाना व ताला ईमान वालों से, अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करते हैं और इतना मेरा रब अपने बंदों के साथ इतनी मोहब्बत करता है कि उसने रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें अता किया ताकि हम इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखें और हम अल्लाह सुबहाना व ताला की जो बनाई हुई जन्नत है उसके हकदार हो जाएं. सो बेसिकली ये मकसद है रमज़ानुल मुबारक का, और ये अल्लाह ने इतनी मोहब्बत से हमें महीना अता किया कि अल्लाह क्या फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अच्छे बन जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो, तुम्हारा रहन सहन अच्छा हो, और तुम उस जन्नत के हकदार बन जाओ जो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए बनाई है, जो अल्लाह ने मुमिनीन के लिए बनाई है. सो बेसिकली रमज़ानुल मुबारक अता करने का जो अल्लाह का मकसद है वो उसकी इबादत के साथ साथ, अब देखें इबादत के लिए तो अल्लाह सुबहाना व ताला ने इतने काउंटलेस जो हैं अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया है, फरिश्तों को तख्लीक किया है जो हर वक्त अल्लाह की इबादत करते रहते हैं. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यहाँ ज़मीन पर बैठकर मैं अर्श की जो एक क्रीकिंग साउंड है वो सुनता हूँ. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इतने कसीर तादाद में फरिश्ते अपने अर्श पर बनाए हैं जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहते हैं, जो अल्लाह की इबादत और उसके ज़िक्र में मशगूल रहते हैं. अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बड़ाई के लिए फरिश्ते बहुत ज़्यादा हैं. जो अब हमारे लिए इबादत है वो हमें अपने आप को संवारने के लिए है. हमारी आपकी और हमारी इस इबादत से अल्लाह सुबहाना व ताला की डिग्निटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो तो इतनी, उसकी किबरियाई इतनी बड़ी है, उसकी ज़ात इतनी बड़ी है, उसकी इबादत के लिए फरिश्ते ही काफ़ी हैं. लेकिन जो ये रमज़ानुल मुबारक की इबादत है, ये अल्लाह ने इतनी मोहब्बत के साथ, वो रब के जो मुझसे और आपसे 70 माओ से बढ़ के मोहब्बत करता है, वो रब जो ईमान वालों के लिए रब करीम है, जो हमें बार बार अपनी रहमतों के साथ, अपनी बरकतों के साथ पूरे एक साल में इबादत की रातों के साथ अल्लाह सुबहाना व ताला हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना और ज़ुलहज्जा के बेहतरीन अय्याम अता करते हैं. क्यों? सो वी बिकम माइंडफुल ऑफ अल्लाह सुबहाना व ताला, कि हम उसके नेक बंदे बन जाएं और हम उस जन्नत में जाएं जो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए तैयार कर रखी है. और ये बेसिकली सो टू गिविंग अस द मंथ ऑफ फास्ट, टू गिविंग अस द मंथ ऑफ रमदान, जो इसका बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि मैं और आप
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, हम नेक बन जाएं, हम परहेजगार बन जाएं, हम नेक लोगों की कैटेगरी में आए। ये मेरे रब की मोहब्बत है जो उसने अपनी मोहब्बत के साथ हमें रमज़ानुल मुबारक का जो महीना अता किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि दे हैज़ कम टू यू द मंथ ऑफ रमदान, ए ब्लेस्ड मंथ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया विच अल्लाह सुबहाना व तआला हैज़ इंजॉइंड यू टू कीप फास्ट, इन इट द गेट्स ऑफ हेवंस आर ओपनड एंड द गेट्स ऑफ हेल्स आर क्लोज्ड। ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह सुबहाना व तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं, जन्नत की रहमतों को खोल देते हैं। और उस जन्नत की रहमतों के दरवाज़ों में हम कैसे दाखिल हो सकते हैं? अगर हमने ईमान और एहतसाब के साथ रोज़ा रखा, अगर हमने अल्लाह की मोहब्बत में रोज़ा रखा। देखिए, इबादत दो तरीक़ों से होती है। कुछ लोग अल्लाह के खौफ से इबादत करते हैं कि हमें डर है कि हम मतलब कि अल्लाह सुबहाना व ताला हमें सज़ा नहीं दे, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। और जब अल्लाह की इबादत को उसके मोहब्बत के साथ की जाए कि मैं इसलिए रमज़ान के रोज़े रखता हूँ कि मेरे अपने अल्लाह से मोहब्बत है, मैं क्यों अपने रब से मोहब्बत ना करूँ जो इतना रहीम है, जो इतना करीम है कि मैं इतने गुनाह करता हूँ वो फिर भी बार बार मुझे मौके अता करता है। अल्लाह सुबहाना व ताला इज़ गिविंग अस सो मेनी चांसेस, बेसिकली टर्न टू अल्लाह सुबहाना व ताला कि हम अपने रब की तरफ मतवज्जो हो जाएं। सो बेसिकली ये रमज़ान का महीना भी अल्लाह सुबहाना व ताला ने हमें इसी मकसद के तहत अता किया है, लअल्लकुम तत्तकून, कि हम नेक बन जाएं, हम उसकी मोहब्बत में रोज़े रखें। साबका ज़िंदगी में आप जितने भी रोज़े रखते रहे हैं इसीलिए रखा कि अल्लाह ने हमारे लिए इसको फ़र्ज़ ठहराया है और रोज़े रखने का बहुत सवाब है। मैं अल्लाह के खौफ से रोज़ा रखता हूँ कि मैं जहन्नम की तरफ ना मुझे मेरा ये इसका बेरोज़ादार का अमल कोई मुझे ये ना लेके जाए, मैं रख सकता हूँ। बेसिकली ये सारे भी इबादत करने के बहुत अच्छे अमल हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम इस बार जो है रमज़ानुल मुबारक को हम अल्लाह की मोहब्बत के साथ गुजारेंगे कि अगर मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं उसकी मोहब्बत में क्यों ना रोज़ा रखूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह ने वो बेहतरीन महीना ईमान वालों को इस अंदाज में अता किया है कि अल्लाह सुबहाना व ताला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। तो जो लोग ईमान के साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ, मेरे रब ताला के खौफ के साथ इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखते हैं, अल्लाह उनके लिए जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और अल्लाह जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। द बिलोवड प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सेड व्हेन द मंथ ऑफ रमदान कम्स अल्लाह सुबहाना व ताला ओपन्स द गेट ऑफ जन्ना, अल्लाह सुबहाना व ताला क्लोज द गेट ऑफ जहन्नम, एंड ही अल्लाह सुबहाना व ताला ही बेसिकली चेंज द शैतान, के शैतान को जकड़ दिया जाता है। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसी महीने में एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस्ड अस अ नाइट व्हिच इज बेटर देन 1000 मंथ, जो कि लैलतुल कद्र है, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी इशरे की ताक रातों में आती है। अल्लाह सुबहाना व ताला हमें उसकी बरकतें अता फरमाए। और इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से अबू हुरैरा से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी के हर एक अच्छे काम का बदला 10 से 700 दर्जे तक अता किया जाता है। और अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं अता करूँगा। कितना अजर है? काउंटलेस है, बहुत बड़ा है। हम भूख में, प्यास में, जब अल्लाह के हम भूख और प्यास में जब अपने रब की ज़ात के लिए खालिसकन उसकी इबादत के लिए रोज़ा रखते हैं और इसका जो अजर और सवाब है उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बहुत ज़्यादा अजर अता करते हैं। कितना अजर? अल्लाह सुबहाना व ताला बेहतर जानते हैं। और ये अजर है जिसके लिए मैं और आप सुबह से शाम तक हम रोज़ा रखते हैं। और अगर यही भूखा और प्यासा रहना, यही तकवा भी है, परहेजगारी भी है, अल्लाह की मोहब्बत भी है, उसकी इबादत भी है, उसकी बंदगी भी है, तो कितना ही अच्छा हो कि हम अपने पेट के साथ साथ, अपनी ज़ुबान के साथ साथ, हम अपने जो आँख का भी रोज़ा रखें कि आँख कोई बुराई का अमल नहीं देखे, हमारी ज़ुबान का इस तरीके से रोज़ा हो कि हमारी ज़ुबान से किसी को कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं हो और हम कोई बैक बाइटिंग नहीं करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे देखें हम लोग रोज़ा रखते हैं एंड वी आर अलाउन, नो बडी इज़ एट होम, और हम फ्रिज ओपन करते हैं, वाई वुड यू नॉट ईट और ड्रिंक एनी थिंग वाई वी आर फीलिंग हंग्री और थर्स्टी?
we do not drink, eat or drink anything because we know Allah subhanahu wa ta'ala is watching to me. I cannot eat or drink because I'm fasting. On the same way, when we are fasting, so we do not eat or drink because Allah subhanahu wa ta'ala is watching. On the same way, if we abstain ourselves from backbiting, अगर हम अपने आप को झूठ से बचा के रखें, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने से रखें, इस ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखें, अपने हाथों को हर एक बुरे अमल से दूर रखें, तो ये रोज़े का अक्सर मकसद है। इसीलिए अल्लाह चाहते हैं कि हम अपनी भूख और प्यास के साथ उसके इतने करीब हो जाएं, हम अपने रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े का असल मकसद है कि हम बुराइयों से बच जाएं और लअल्लकुम तत्तकून, हम मुत्तकी बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं। और ये जो 30 डेज की प्रैक्टिस है, ये हमारी जो बात की बाकी वाली ज़िंदगी में भी है, उसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको हमेशा के लिए अपनाने की तौफीक अता करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबाए किराम हैं, वो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी इतने अच्छे अंदाज में किया करते थे। उनकी तैयारी होती थी कि इस रमज़ान को जो आएगा, हम उसमें कितनी इबादत करेंगे, कितने कुरान पाक पढ़ेंगे, कितना अल्लाह का जिक्र करेंगे, कयामुल लैल किस तरीके से करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम्स कंपेनियन, दे यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द मंथ ऑफ रमदान इन 6 मंथ एडवांस्ड। वो 6 महीने पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करते थे कि अल्लाह इतनी रहमतों बरकतों वाला महीना अता कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे पास अभी कुछ दिन बाकी हैं, मैंने और आपने, हमने लिस्ट बनानी है, व्हाट थिंग्स वी शुड डू इन द मंथ ऑफ रमदान एंड व्हाट थिंग्स वी शुडंट डू इन द मंथ ऑफ रमदान। मैंने अपने जिक्र की लिस्ट बनानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रमज़ानुल मुबारक की कितने अच्छे अंदाज में तैयारी किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कंपेनियन, दे वर यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द मंथ ऑफ रमदान इन 6 मंथ एडवांस्ड। और उनकी एक लिस्ट बनी होती थी, उनकी उन्होंने एक टाइम टेबल सेटअप किया होता था कि वो रमज़ानुल मुबारक को किस अंदाज में गुजारेंगे। और इसी तरीके से हम लोगों ने भी रमज़ानुल मुबारक की जो इस बार तैयारी करनी है, उसमें आए कि हमने कुरान पाक की रिसाइटेशन के लिए कितना वक्त निकालना है, कुरान पाक की रेसिटेशन के साथ साथ हमने ज़िक्रुल्लाह अपने तरावीह के लिए, क़यामुल लैल के लिए, तहज्जुद के लिए, हम लोगों ने किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है। और इन तमाम इबादात के साथ साथ जो मेरी फिज़िकली जो मेरी इबादत हैं, जो मेरी स्पिरिचुअली, जो मुझसे जो अच्छे अंदाज में काम हो सकते हैं, मैं वो करूं, मैं अपनी ज़ुबान को हर तरह के गुनाह से रोक के रखूं, मैं अपने हाथ को हर तरह के गुनाह से कंट्रोल करके रखूं। सो बेसिकली दिस इज़ द राइट पर्पस ऑफ द मंथ ऑफ रमदान। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। और उनकी तैयारी किस तरीके से होती है, आई हैव सीन मैनी ऑफ द पीपल्स लाइक दे आर प्रिपेयरिंग रमज़ानुल मुबारक के लिए शॉपिंग करना। बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन इतना कुछ अहतमाम करना अफ्तारी में और सहरी में कि हम इतना खाते नहीं हैं जितना हमारा ज़ाया हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैनी ऑफ द पीपल्स दे जस्ट वेस्टेड टाइम, द वीमेंस स्पेशली दे स्पेंड आवर्स एंड आवर्स इन किचन और जस्ट टू प्रिपेयर द इफ्तार मील। और ये अच्छी बात नहीं है कि आप अफ्तारी के लिए भी, अहतमाम के लिए भी ज़रूर वक्त निकालें, लेकिन अपने उस वक्त को भी आप यूटिलाइज करें कि आपकी ज़ुबान ज़िक्रुल्लाह करती रहे। और इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में अगर आप देखें कि लोग किस तरीके से एक्टिव हैं, आप सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, दिस ऑल द पीपल्स दे आर एक्टिव एंड दे आर मेकिंग द व्लॉग्स एंड वीडियोस के अफ्तारी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, हाउ टू मेक द फ्रोजन फूड एंड समोसे एंड थिंग्स लाइक दैट एंड हाउ टू डू द शॉपिंग, एंड ये हमारी शॉपिंग लिस्ट है। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि अगर हम लोग अफ्तारी को करते हैं, सो बेसिकली अफ्तारी के लिए इट डज़ नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स। अफ्तार मील खाने के लिए 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, आप जितना मर्जी जी भर के खा लें। कंटिन्यूसली अगर आप खाते हैं, इट डज़ नॉट टेक मोर देन 15 to 20 मिनट्स। ऑन द सेम वे अगर आप सहरी में उठते हैं द सेम टाइम, तो एक अफ्तारी और सहरी के 20-20 मिनट्स को हम अगर इकट्ठा करते हैं 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स की तैयारी के लिए पूरी दुनिया में आपको लोग जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो आपको इतने एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो जो एक दिन और रात में 24 आवर्स होते हैं, अब 24 आवर्स में से इस 40 मिनट्स की तैयारी के लिए द पीपल्स दे आर सो मच एक्टिव
हम लोगों ने जो 23 आवर्स और 10 मिनट्स हैं उनको किस तरीके से गुजारना है। किसी कुछ लोग, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन किचन। अपने किचन में आप ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं कीजिए। अपनी सहरी का, अपनी अफ्तारी का ज़रूर अहतमाम कीजिए, लेकिन सादगी में हो और इस अंदाज में हो कि हमारी फूड जो है वो वेस्ट नहीं हो, बल्कि इससे बेहतर है कि आप और कंट्रीज़ में भेज दें, वहाँ पर लोग जो हैं अच्छे अंदाज में रोज़ा रख सकें। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादत का महीना है, कुरान का महीना है। और रमज़ान कुरान का महीना कैसे है कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने शाहर रमदान लजी उन्ज़िला फीहिल कुरान, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ये वो रमज़ान का महीना है जिसमें मैंने कुरान को नाजिल किया। सो बेसिकली हम इंशाल्लाह अपनी रूटीन सेटअप करेंगे कि हाउ वी नीड टू कनेक्ट विद द कुरान इन द मंथ ऑफ रमदान, के हम रमज़ान में कुरान की रिसाइटेशन के लिए कितना वक्त निकालते हैं। और हम इस साल इंशाल्लाह विद द रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान हम कुरान को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने जो इस कुरान में, जो इस कलाम इलाही में, जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए उतारी गई है, इसमें अल्लाह ने क्या अहकामात नाजिल किए हैं। सो मेक योर टाइम टेबल कि मैंने इस साल रमज़ान में इंशाल्लाह कुरान का जो ट्रांसलेशन है, उसके जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी तफसीर है, मैंने उसको समझने की भी कोशिश करनी है। इसके साथ साथ इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक जो है ये दुआ मांगने का, दुआ का महीना है। अपनी दुआओं को बढ़ा दीजिए, अपने जिक्र को बढ़ा दीजिए। दुआओं के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अम्मा युजीबुल मुद्दतर्रा इज़ा दुआहू व यक्शिफु सू, और कौन है जो अपने और कौन है उस रब के सिवा जो किसी दुखी बंदे की फरियाद को सुनता है। और इसी तरीके से अल्लाह सुभान व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दुआनी फलयस्तजीबू ली। और जब कोई बंदा अल्लाह से दुआ करता है और अल्लाह सुभानहू व तआला इन्नी करीब, तो अल्लाह फरमाते हैं वो मुझे अपने करीब पाएगा। उजीबु दावतद दाई इज़ा दुआनी एंड आई रिस्पोंड द दुआ व्हेन अ पर्सन ही मेक्स दुआ टू मी फलयस्तजीबू ली, और मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ और मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ। अपनी दुआओं को बढ़ा दीजिए, अपनी दुआओं में अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए हिदायत मांगिए। हिदायत बहुत बड़ी चीज़ है, इस रमज़ान में दुआओं को बढ़ा देना है। और इसी तरीके से इस रमज़ान मुबारक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, आप क़यामुल लैल किया करते थे, तरावीह पढ़ा करते थे, सुन्नत मुबारक है। एतकाफ़ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस किया करते थे, ये भी सुन्नत मुबारक है। और इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के महीने में खैरात करना, रमज़ान मुबारक के महीने में सदक़ात देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द पीपल they give the charity without delay for it stands in the way of calamity, के जब एक बंदा अल्लाह की राह में सदका करता है और खैरात करता है तो ये उसकी आने वाली हर तरह की, उस बंदे को आने वाली हर बला से, वबा से महफूज रखती है। मैं युकरिदुल्लाहु कर्दन हसनन फयुदाइफहु लहू अदआफन कतीरा, कुरान फरमाता है कि हु इज़ दैट वुड लोन, अल्लाह सुबहाना व ताला व्हाट एन एक्सीलेंट लोन, एंड अल्लाह सुबहाना व ताला विल मल्टीप्लाई द रिवॉर्ड फॉर हिम, कि जो अल्लाह को कर्ज हसना देते हैं, जो अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह उनके अजर को बहुत बड़ा कर देते हैं। और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकातुल फितर अदा करने का भी हुक्म दिया कि रमज़ानुल मुबारक में ईद से पहले सदकातुल फितर करना चाहिए। सो बेसिकली ये हमारे रमज़ान की रूटीन होनी चाहिए। और एंड ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है अगर हम एक दूसरे की मदद करें, किस अंदाज़ में करें कि हम एक दूसरे को कभी अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ नहीं दें, हम एक दूसरे को कभी अपने हाथों से तकलीफ़ नहीं दें, हमें हमारा जो तर्ज़ अमल है, ये जो मेरी एक पूरी बॉडी है, मेरा वजूद है, इससे किसी को भी दिल आज़ारी नहीं हो, तो ये रमज़ानुल मुबारक के लअल्लकुम तत्तकून की प्रैक्टिस है जो मुझे और अल्लाह ने आपको रमज़ान की सूरत में अता की है, रोज़े की सूरत में अता की है। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन किचन, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन डेली रूटीन। अपनी डेली रूटीन को सेटअप कर लीजिए, अपना जो वक्त है उसको इबादत में गुजारने की कोशिश कीजिए। एंड स्पेशली टू द यंगस्टर्स, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन स्लीपिंग। बहुत से लोग होते हैं कि जो अपने रोज़े रखने के साथ साथ अपनी नमाज़ों को भूल जाते हैं, नमाज को बिल्कुल नहीं भूलिए,
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान के महीने में रोज़ा तो रखते हैं मगर नमाज की तरफ से गाफिल होते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में भूखा प्यासा रहना कोई अच्छा अमल नहीं है अगर हम नमाज ना पढ़ें। और ये रोज़ा भूखा और प्यासा रहना उस वक़्त बहुत ज़्यादा अमल वाला होता है, बहुत अच्छा अमल होता है जब हम सलाह अपनी नमाज का भी अहतमाम करते हैं। सो टू ऑल द यंगस्टर्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन योर स्लीप, अपने रमज़ान के रोज़े को बहुत ज़्यादा सोकर नहीं गुजारना। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया स्पेशली, ये भी मुझे मैसेज देना है कि सोशल मीडिया पे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, सोशल मीडिया को देखना चाहते हैं, प्लीज़ स्पेंड योर टाइम ऑन इस्लामिक स्कॉलर्स, उनके आप स्पीचेस सुनिए जो रमज़ान के हवाले से हैं, उनके अजकार सुनिए, उनके जो टॉक्स हैं इस्लामिक टॉक्स सुनिए। तो ये रमज़ान मुबारक की तैयारी होनी चाहिए। खामोशी का भी एक रोज़ा होता है और खामोशी का रोज़ा कैसा है ये अल्लाह ने कुरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बताया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जब आप अपनी बस्ती में ईसा को लेकर वापस जाएंगे, डू नॉट टॉक टू देम, आपने उनसे कोई बात नहीं करनी, बल्कि यही कहना है कि मैंने रोज़ा रखा है। और कौन सा रोज़ा है? कुरान में अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, फकुली वशरबी वकर्री अईना, ऐ मरियम अलैहिस्सलाम ईट एंड ड्रिंक एंड बी हैप्पी, फइम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी अहद एंड इफ यू सी समवन फकुली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा, और फिर आप कह दीजिए आई एम फास्टिंग फॉर अल्लाह सुबहान व तआला कि मैं आज के दिन मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा कि मैंने अपने रब जो है आई वाउड टू माई लॉर्ड एंड फॉर फास्ट कि मैं अपने रब के लिए रोज़े से हूँ। तो ये खामोशी का एक रोज़ा, खामोशी सबसे बेहतरीन इबादत है। अननेसेसरीली बातों से, गुफ्तगू से बगैर जो बेमकसद गुफ्तगू है उससे ज़रूर बचिए। खामोशी का रोज़ा भी रखिए और अपने आँखों का भी रोज़ा है, हाथों का भी, हर जिस्म के एक एक अंदाज़ का रोज़ा होना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें मिलकर हमें अल्लाह सुबहान व तआला की आयत मुबारका जो कि रमज़ान का बेहतरीन मकसद है, लअल्लकुम तत्तकून, हमें इस कैटेगरी में शुमार करें। यही मेरा आज का मैसेज है इंशाल्लाह, और यही हमने रमज़ान की तैयारी करनी है। मे अल्लाह सुबहाना व ताला मेक अस अमंग दोज हु प्रिपेयर फॉर द मंथ ऑफ रमदान फिजिकली एंड स्पिरिचुअली टू गेट क्लोज टू अल्लाह सुबहाना व ताला। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।